मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में IMA का 64वां वार्षिक समारोह शुभारंभ हुआ। वार्षिक समारोह कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कई शहरों से चिकित्सा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, विधायक मुन्नालाल गोयल, प्रवीण पाठक एवं IMA के अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल रहे। चिकित्सक गण से विशेषज्ञ इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में ब्रेन का यूज होता है। डॉक्टर हर दिन रिसर्च करते हैं। आज के समय में डॉक्टर देश के वह इंसान हैं जो भगवान से कम नहीं है। दवाई का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र है, वो पैरेलल में चलता है, चाहे नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो। ऊपर क्या होता है कि इन तीनों के बीच में संगम होता है। पुराने ज़माने में नेचुरोपैथी ज़्यादा चलती थी, होम्योपैथी थोड़ी चलती थी और एलोपैथी थोड़ी चलती थी। अब जो बैलेंस है वो ज़्यादा एलोपैथी की तरफ चल रहा है। तो समय समय में वो बैलेंस का नियंत्रण रहता है, पर धीरे धीरे विश्व में भी नेचुरोपैथी और एलोपैथी होम्योपैथी के प्रति एक रुचि भी बहुत बड़ी है और लोग ये भी अब विश्वास करते हैं कि जो उनमें जो क्षमता है उसकी भी विशेषता बहुत है हर इंसान के लिए। विश्वकर्मा किन किन स्टेक होल्डर से चर्चा हुई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कई स्टेक होल्डर से चर्चा भी हुई होगी। और अगर आज IMA कह रहा है कि उनको भी, वो चाहते हैं कि उनको भी विश्वास में लिया जाए, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। जितने लोग